वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं तुहाडे लई स्कूल दे लई या तुसी फास्ट वटाली दस्तार सजाना चाहते हो उहदे लई एक स्पैशल ट्यूटोरियल लैके आया। 5.5 मीटर दस्तार की लेंथ है जी, तो फुल वैल कपड़ा है। तो जे तो तुसी चैनल दे नवे हो तो पहले तो तुसी चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकन नूं क्लिक कर लो तो जो साडी पाई वीडियो सब तो पहले तुहाडे तक पहुँच सके। तो हुण असी दस्तार सजाउणी तुहानूं स्टैप बाय स्टैप दसांगे। जिवें कि तुसी देखिया है कि मैं लैफ्ट साइड से जूड़ा साहब किया है, नाल गंगा साहब रखिया है, तो इस उपरों असी जिहड़ा बेस हुंदा अपना 1 मीटर का बेस सजावांगे। नॉर्मल 80 सेंटीमीटर का पटका हुंदा है, जिन्ना तुहाडे सिर दे उत्ते कंप्लीट आवे उन्ना लै सकदे हो तुसी। तो छोटी दस्तार होण दे कारण मैं इहदे नीचे कोई अलग तो बेस नहीं रखांगा, क्योंकि मेरा मनना है जे असी छोटी दस्तार सजा रहे हैं तो सानू नीचे वड्डा बेस बनने की लोड़ नहीं हैगी। जे तुसी वड्डा बेस बनना है तो तुसी वड्डी दस्तार ही सजाओ, ठीक है जी। तुसी छोटे बेस से वड्डी दस्तार सजा सकते हो, बट वड्डा बेस तुहानू छोटी दस्तार के नीचे नहीं सजाना चाहिए। तो अगो जी हुण जिवें तुसी मेरी सारी वीडियोज़ दे विच देखते होंगे कि किवें असी इस पल्ले नू लैके आना है पन्ने दे नू बेस दे विच कंप्लीट करन लई। देखो पटियाला शाही दस्तार होगी थोड़ी जी शेप दे विच, तो इसी थोड़ा उच्चा लैके आया सारी राइट साइड तो, ते कानू इस तरीके नाल ढकते हुए बाकी हिस्सा असी अंत लगा देना है। तो जिहड़ी मैं दस्तार रैड कलर की दस्तार आ, तो जिवें तुहानू दस्या फुल वैल 5.5 मीटर की है। तो हुण असी 50 बन लवांगे, तो 50 नू इको कट मारांगे पिछे, तो बाकी हिस्से नू दोनों साइड दे उत्ते इस तरह लगा देना अंदर नू। तो पूनी मैं कीती हुई है मेरे वीरों, पूनी दी वीडियो सिंपल है नॉर्मल जिवें कीती जांदी है, तो गिल्ली भी उन्नी कीती है जिवें मैं नॉर्मल गिल्ली करदा दस्तार नू। तो पहला पल्ला इस तरीके नाल मूहरे विच पकड़ लैना दंद विच तां जो पल्ला गिल्ला ना होवे। तो पहला पेज असी इस तरह खोल लेना है, तुसी सिंपल सीधा भी लगा सकते हो या एक बार इन्हें अंदर फोल्ड कर सकते हो ताजो ये ज़्यादा मजबूती दे विच हो जाए अपना पहला पेज। एक बार अंदर फोल्ड किया, ठीक है। तो हुण इहदे उपरों असी वट इकट्ठे कर लैने ने, 4 वट बनायो, ज़्यादा ना बनायो क्योंकि ज़्यादा बनाने के चक्कर कई बार तुसी लण खराब कर लैंदे हो अपना। इकट्ठे किए उपरों जी सारे वट बनाए हैं, पहला पल्ला जिवें सीगा उसे तरीके ना पिया, उन्हूं नहीं कुछ होण देना सी। जिन्हें वट बनाए हैं इस तरीके ना इकट्ठे करके एक जगह दे विच अद्धी अख ढक के अद्धी गल ढक देनी असी, तो इस तरह पहला पल्ला लगा लेना। तो हुण एक गल का ध्यान रखो, जिहड़ा हिस्सा उपर आ उही उपर रहना चाहिए, दोनों पल्ले बराबर करने हैं, पिछले हिस्से नूं इस तरीके नाल पिंच करना है। तो इस तरह आपां पहले हिस्से पहले पेज नूं उपरों जी लगा देना है, इस तरह आपां खिंच लेना है। तो नीचे जी पिंच किवें करना, इस तरीके ना इस तरह पिंच करना है। देखो ये थोड़ा तेज़ तरीका है दस रहा तुहानू, इस तरह पिंच करना है अंगूठे ते उंगल की मदद नाल, एक जगह पर रख देना है। सज्जी अख का जिथे भरवट्टा शुरू होंदा उत्थे रख देना है असी, तो इस तरह वट क्रिएट करने ने। जिदा के मर्जी पैन तुसी सीधे वट बना लेने ने, जिदा के पैन एन इस तरीके पेज नूं लगा देना है। पहले तो दूजे पेज के ज़्यादा स्पेस ना हो, बट वट जरूर बना लेने ने तुसी। तो हुण इस तरीके ने दूजे पल्ले नूं लगाना है असी, दोनों पल्ले बराबर किए ने। तो हुण मैं तुहानूं एक चीज़ ये भी दसांगा, ये दोनों पल्लिया के वट किवें बना सकते हो तुसी इस तरीके दे विच। पिंच करके तो असी बनाना दस ही दिता तुहानूं, इकट्ठा करन दे विच वी तुहानूं दोनों पल्लिया के वट बना के दिखावांगे। पहले तो उपले पल्ले नूं इस तरह उपर नूं इकट्ठा करता मैं, हर एक इस तरह उपर नूं इकट्ठा करके रखता, फिर दूजे पल्ले नूं अंदर नूं इस तरह इकट्ठा करता। इस तरह दोनों साइड के पल्लिया नाल तुसी वट बना सकते हो। तो दूजी गल, जे तुसी सिलाई नूं लुकाउणा भी चाहुंदे हो वटाली दस्तार दे विच, तां इस तरह तुसी इस पल्ले दे वट ना बनाओ, उपले दे कल्ले अंदरले पल्ले दे वट बना के रख दो, ठीक है। तो उस सिलाई वाले पल्ले नूं उपर अलग तो उपर नूं खिसका दो थोड़ा जिहा, ठीक है। इहदे नाल तुहाडी सिलाई जिहड़ी है लुक भी जाएगी ते तुहाडे वट भी पै जाणगे, ठीक है। हुण तीजा स्टैप इह है कि तीजे लड़ तों असी इस तरीके नाल बेस नूं अंदर कर देना है। तो जे तुहानूं लगदा वटा च कमी है तां तुसी इस तरीके नाल वट वधा सकदे हो, घटा सकदे हो। जे वट तुहानूं उच्चे लगदे ने तां इस तरीके नाल नीवें भी कर सकदे हो, ठीक है। तुहानूं देखो मेरे वीरो, तुसी तरीका कोई भी अजमाओ, दस्तार किसी भी साइज़ की सजाओ, तुहाडी दस्तार पूरी आनी चाहिए है, बस मेन मतलब यही है। हुण इस पल्ले लई भी असी दोनों पल्ले बराबर करांगे, ठीक है। कन्न दे उपरले पल्ले नूं थोड़ा खिच के रखांगे, तो इन्हां पल्लियां नूं कन्न तों नीचे लगाना है असी, ठीक है। कंधे उपर ना, क्योंकि कंधे उपर मोटा हो गया ना जी, तो वह बाद दे विच दिक्कत होगा तुहानू। तो इस तरीके नाल तुसी इस पल्ले नूं भी उपरों मोटा कर लेना है। देखो दोनों पल्ले खोल लिया मैं, पहला उपरले पल्ले नूं आपां इस तरह पिंच करके उपर नूं रख देना इकट्ठा करके, फिर असी दोनों पल्लिया ने इस तरीके नाल वट पा लेने। देखो इस तरह उंगल पकड़ के इस तरह वट बना लेना है, ठीक है। इस तरह तुसी देख सकते हो, तो इन्हां नूं इस तरीके नाल इकट्ठा कर देना है।
देखो चौथे पेज में असी थोड़ा उपर लगावे क्योंकि देखो ये उपर ही पंजवा पेज आना है तो पंजवें पेज के नीचे चौथा पेज होना जरूरी है क्योंकि पंजवा पेज साडा लास्ट पेज होगा क्योंकि 5.5 मीटर की दस्तार है 5 लड़ होने तो इस पल्ले थोड़ा खोल के रखना असी उपर शेप वधिया बना लीता जो अपना लास्ट पेज खिसके ना तो हूँ असी थोड़ा अंदर करांगे बेस में तो थोड़ी शेप भी तो गुलाई भी देखांगे ज़्यादा दस्तार उच्ची भी ना हो इस गल का भी ध्यान रखना है तो उपरले सारे पेचों भी आप टाइट करके रखना है ठीक है तो कन्न तो उपर भी कपड़ा खिंच के असी पिछे लगा देना है तो जो अपना कन्न है जोड़ा बाहर ना दिखाई दे ठीक है तो हम असी सैकेंड लास्ट पेज लगावे राइट साइड तो इस बाद जो कलगी वाला पेज आएगा इतने इस पल्ले भी आप सिंगल पल्ला लगा है जिमें मैं तुम्हें दस दिना कि सैकेंड लास्ट पल्ले सिंगल पल्ला लगा है तो मोटे हिस्से असी इस जगह पर लगाना है कन्न तो उपर रखना है जिथे कपड़े की लड़ है उत्थे एडजस्ट करना है दूजे पल्ले अंदरों जी आ देखो जिमें मैं करके दिखा रहा तो बहरले पल्ले असी दोनों साइड तो अखा बराबर करते हुए लगा देना है क्योंकि कलगी पेच भी लगाना है तो कलगी पेच में टिकाए रखने लिए साढ़े अख के उत्ते उस तो पहला पल्ला होना चाहिए है इस गल का तुसी ज़्यादा ध्यान रखना है ठीक है इस तरीके सैट कर सकते हो इस पल्ले मैं सिंपल लगा के दिखावगा क्योंकि देखो आखिरी पल्ले भी वटाला तो मैं तुहानू कई वीडियोज़ के लगा के दिखा चुका बट आखिरी लड़न सिंपल नहीं लगा के दिखाया ज़्यादातर मैं इसलिए इस वीडियो मैं सिंपल तो सीधा लगा के दिखावगा पेचा वागू जे तुसी इहना पतला है लड़ लगा भी दोगे तो यहाँ खास पता नहीं लगता कि तुसी एक लड़ बनाए या वटाला बनाया बट मैं तुहानू चाहुंदा कि यह भी पता लगे कि तुसी इस तरीके भी रख सकते हो इस लड़न तो कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी जिवें तुहानू ठीक लगे तुसी कर सकते हो ठीक है तो हुण आपां थोड़ा शेप वल ध्यान देवांगे जिवें कि लगता है थोड़ी जी दस्तार अपनी ठीक है फुल वेल का कपड़ा इसलिए थोड़ा बैठवा जिहा है बाकी थोड़ा स्पीडी वे दे दस्या मैं वट पाण दा तेज तरीका तो यही हुंदा है जो आप एक एक करके वट इकट्ठे करते हैं ना उहदे विच सानू थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ठीक है इसलिए स्पीडी वे तो यही है जिहड़े बंदे ने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली उहनू तेजी नाल वट पाने भी आएंगे ज़्यादा बट उन्ने ज़्यादा वट नहीं पैणगे जिन्ने असी पिंच दे विच कर लैंदे हां ठीक है हुण असी कलगी वाला पेच लगा के दिखावांगे तुहानू पहले तो पल्ले नू खोल लिया फिर निचला हिस्सा उपर किया फिर उपरला पल्ला नीचे नू किया तो इस तरह पेच नू पकड़ लेना है तो जिनी असी खब्बी अख ढकी है उन्नी ही सज्जी अख ढक लैनी है इस पल्ले नाल ठीक है तो उपरों जी जिन्ना कु लोड़ा उन्ना कंधे नू फोल्ड कर लेना है जिन्ना का आपां आखिरी पेज चौड़ा रखिया उन्नी स्पेस छड़ देनी है इहदे विच कलगी वाले पेज ते उस तों पहलां लगाए पेज दे विच ते पानी लगा भी सकदे हो तुसीं इस वेले क्योंकि कई बार हुंदा कि साडा लड़ सुक जांदा है जां साडे कोल गिला ही नहीं हुंदा लगा सकदे हो मैनूं कोई लोड़ नहीं सी बट मैं तुहानूं ला के तां वी दिखाता होया ठीक है इहना थोड़ा लड़ बैठ जांदा हुंदा बैठदा मतलब कि जे कोई थोड़े मोटे वट पैंदे हुंदे ना लड़ दे विच धोण तों बाद कई बार वट रहिंदे हुंदे दस्तार दे विच तां उह सैट हो जांदे हुंदे कलगी पेज दे विच ते कलगी पेज नूं एन सेंटर दे विच घुमा के रख लेना है तो पिन लैनी है एन सेंटर में थोड़ी जी नीचे नूं ते थोड़ी लैफ्ट साइड नूं टेढ़ी लगानी है कलगी घुमा लेनी है चंगी तरह घुमा के इस तरह खोल लेनी है तो हुण जिहड़ा साडा धागे वाला हिस्सा हुंदा उह कई बार बाहर आ जांदा हुंदा कलगी लगाउण वेले तो उहनूं आपां की करना है मूलों जी अंदर कढ़दे जाणा पिछे नूं इसलिए पिछे तक इस धागे वाले हिस्से नूं अंदर कढ़ देना ज़्यादा जरूरी हुंदा क्योंकि इह चंगा नहीं लगता हुंदा दिखदा इहदे नाल ना जदों आपां फोटो भी खिंचदे हुंदे आ जां कह लो कईआं नूं इह धागे उभरमें दिखदे रहिंदे आ तां चंगे नहीं लगते होंगे इसलिए इहनूं सैट कर लैना ज़्यादा जरूरी है बाकी बस दे हिस्से नूं फिर असी सैट करन तों बाद चों अंदर लगा देना है ठीक है तो हुण मेरे वीरो उपरले हिस्से ते भी 2 पिन्नां लगावांगे असी तुसीं देखिया होणा एक चीज़ नोट की होनी कि हले मैं पिछले हिस्से तो दस्तार की सफाई नहीं की तो हुण मैं तुहानूं करके दिखावांगा मैं क्या पहलां सारी दस्तार कंप्लीट कर देवां कई बार ये हुंदा कि मैं उपरला पल्ला लगाउण तों पहलों कर लैंदा कई बार हुंदा कि मैं सब तो लास्ट से जाके करदा लास्ट से मतलब कि पिछली लुपी लगाउण तों पहलां ठीक है हुण पहलां तो आपां उपरला हिस्सा कंप्लीट कर लवेंगे फिर तुहानूं पिछले हिस्से तो सफाई करके दिखावांगे देखो दोनों पल्ले विछाले सज्जे हाथ नाल कपड़ा चाके खब्बे हाथ नाल अंदर करता सी राइट साइड तों ते खब्बी साइड तों खब्बे हाथ नाल कपड़ा चाके सज्जे हाथ नाल अंदर कर दित्ता सी ठीक है तुसीं भी इसे तरीके नाल कर सकदे हो तुहानूं सिलाई की लोड़ नहीं पेगी कपड़ा नूं अंदर करन दी तो हुण दूजे शीशे नाल असीं हर हिस्से तों पेचारी सफाई करांगे तो जे थोड़ी मोटी कमी पेशी आई होवे अपने उपले हिस्से ते तां उह वी हुण असीं हुणे सैट कर लवांगे ठीक है बाकी मेरे वीरो जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आंदी हुंदी है तां तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ क्योंकि इहदे नाल तुहाडा ही फायदा होएगा कि तुहानूं नवीं पाईआं वीडियो अपने आप रिकमेंड हो जाणगीआं ते तुसीं उहनां नूं देख सकदे हो ठीक है तो इस तरह जे तुहानूं थोड़ी मोटी भी कमी पेशी लगती होए तां तुसीं दूजे शीशे नाल दूर जरूर कर सकदे हो ठीक है जी ते तुसी देखते दे होंगे कि इस टाइम मेरा लैफ्ट साइड तो जोड़ा बेस है जोड़ा मैं जूड़ा साहब किया चंगी तरह अंदर वो इसलिए अंदर है क्योंकि मैं
ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਟਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੇਪ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਫਾਸਟ ਵਟਾਲੀ ਦਸਤਾਰ 5.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਲੜਾਲੀ ਵਟਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬੋਇਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।